फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरह पोटैटो लॉलीपॉप बनाए जाते हैं। ये बहुत ही आसान होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलू। ये उबले हुए आलू हैं जिन्हें मैंने उबाल कर छील कर रख लिया है। आलू मीठे ना हो ये ध्यान रखें। इसके बाद हमें चाहिए बारीक कटा हुआ धनिया, ये फ्रेश धनिया है। इसके बाद हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, जो ये एक आधा प्याज है। इसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्च, दो हरी मिर्च है यहाँ पर। इसके बाद है बेसन, जो दो चम्मच हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसके बाद मसाले हैं। मसालों में हमने यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं लाल मिर्च डेढ़ छोटी चम्मच, जीरा आधी छोटी चम्मच, हल्दी और दो चम्मची चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। आलू को मैश कर लेना है हमें यहाँ पर। अच्छे से मैश करने के बाद हमें इसमें डालना है प्याज, जो हमने प्याज बारीक काटा था उस प्याज को हम यहाँ पर डाल लेंगे। देख सकते हैं आप, प्याज के बाद हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च, जो देख सकते हैं कितनी बारीक कटी हुई है। अभी से भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मसाले डाल देंगे, सारे मसाले मिला देंगे हम इसमें। मसाले मिलाने के बाद हम इसमें धनिया मिला देंगे। धनिया इसमें ज्यादा क्वांटिटी में ही अच्छा लगता है। धनिया मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को डालने के बाद हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा डो बना लेंगे। डो तैयार हो चुका है। डो बनाने के बाद हम अब इसके छोटे छोटे गोले बनाना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके के बॉल्स आपको अपने हाथों से बनाने हैं। गोल बॉल्स बनाइए क्योंकि ये लॉलीपॉप के लिए हमें बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके के बॉल्स बनेंगे आप, और अब ऐसे ही सारे बॉल्स बना लेंगे। पैन को, कढ़ाई को प्री हीट कर हमने यहाँ पर तेल गर्म कर लिया है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गरम होने के बाद मैंने इसमें अपना एक बॉल डाल के देख रही हूँ। बॉल डालने के बाद ऐसे ही सारे बॉल्स डाल देने हैं। अच्छे से इन्हें चलाते रहना है। चलाते रहिए इसे। अब इसे अच्छे से तल लें और एक प्लेट पर निकाल लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसे दो बार फ्राई करें आप तो ज्यादा अच्छे बनेंगे। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा रंग आया है। क्रिस्पी और टेस्टी बॉल्स आपके तैयार हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।